गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम लोग पाठ दो बस्ता और जूता पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में बस्ता और जूता अपना अनुभव बताते हुए हमसे कहना चाहता है कि हमें अपने सभी उपयोगी सामान जैसे बस्ता, जूता आदि को सही ढंग से रखना चाहिए। अब पाठ निकालिए। बस्ता और जूता। एक दिन परेश का जूता बैठे बैठे बहुत उदास था। तभी उसे परेश के बस्ते में से किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। जूता, अरे भाई तुम कौन हो, क्यों इतने दुखी हो? बस्ता, मैं परेश का बस्ता हूँ जिसमें वह किताबें कापियां ठूस ठूस कर भरता है, साथ ही और भी न जाने कितना कूड़ा कबाड़ा भर लेता है। जूता, अरे मेरा भी उसी परेश ने नाक में दम किया हुआ है। नाक में दम किया हुआ है मतलब परेशान किया हुआ है। तब तो हम सचमुच में दोस्त बन सकते हैं, क्यों? बस्ता, तुम भी अपना नाम और अपने दुख का कारण समझाओ। बच्चों, इसमें परेश का जूता और बस्ता दोनों ही परेश के व्यवहार से दुखी हैं और आपस में दोस्त बनकर अपने अपने दुखों का कारण बताते हैं। बच्चों, अब इसमें बताइए तो कौन उदास था? तो जूता उदास था। किसके कराहने की आवाज़ आ रही थी? तो बस्ता के कराहने की आवाज़ आ रही थी। किसमें से कराहने की आवाज़ आ रही थी? तो परेश के बस्ता से। जूता और बस्ता किससे दुखी थे? परेश से। अब हम आगे पढ़ते हैं। जूता, दोस्त, परेश ने मुझे घिस घिस कर यहाँ वहाँ ठोकरे मार कर मेरा तो अंग अंग दुखा डाला है। यह सच है कि मेरा काम कांटों और कंकर पत्थरों से पैरों की रक्षा करना है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि बिना कारण मुझसे ठोकरे मारी जाए। बस्ता, मैं भी किताबें कापियां रखने के लिए बना हूँ। सही ढंग से जिल्द लगी कापी किताबें अपने साथ लाने और ले जाने में मुझे भी अच्छा लगता है, पर मेरी भी तो परवाह करनी चाहिए। अब देखो ना, परेश स्टापू खेलने के लिए पत्थर, गेंद, लट्टू के अलावा दुनिया भर का कूड़ा कचरा मुझ में भर देता है, परंतु कभी भी मेरे बोझ के बारे में नहीं सोचता। जूता, हाँ दोस्त, परेश रास्ते में चलते समय जिस पत्थर को देखता है उसे ही जूते से मार मार कर मेरा बुरा हाल कर देता है। कुछ न हो तो दीवारों पर ही जूते से चोट करता है, इससे दीवारें खराब होती हैं। यदि कभी वह मुझे पॉलिश लगाकर चमका ले तो मुझे कितनी खुशी होगी, पर उसे क्या फर्क पड़ता है, वह क्या जाने दूसरों की पीड़ा। बच्चों, जूता कहता है कि परेश मुझे जहाँ तहाँ ठोकर मार मार कर घिस कर चोट पहुँचाता है। मेरा काम तो उसके पैरों की रक्षा करना है। कभी कभी वह मुझे पॉलिश कर देता तो मुझे बहुत खुशी होती, पर वह तो दीवार पर मुझसे ठोकर मारते रहता है। वह दूसरे की तकलीफ नहीं समझता है। इसी तरह बस्ता भी अपने दुख का कारण बताता है
कि मेरा काम तो उसके किताब कॉपी को सही ढंग से ले जाना ले आना रखना है, पर वह मुझ में पत्थर लट्टू और कचरे भर देता है। कभी मेरे बोझ के बारे में नहीं सोचता है। बच्चों, अब मैं कुछ प्रश्न पूछती हूँ। जूता का क्या काम है? पहले बताइए, जूता का क्या काम होता है? कांटों और कंकर पत्थरों से पैरों की रक्षा करना। अच्छा, बस्ता किस काम आते हैं? बस्ता किताब कॉपियां रखने के काम आते हैं। बस्ता क्यों दुखी था? बस्ता इसलिए दुखी था क्योंकि परेश बस्ता में पूरा कचरा कंकर पत्थर भर लेता था। बच्चों बताओ, जूता क्यों उदास था? जूता इसलिए उदास था क्योंकि परेश जूते को पत्थर तथा दीवारों पर ठोकर मार मार कर बुरा हाल कर देता था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आज पढ़ते हैं। अगला भाग अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।